ये हमारा मैसेज हमारे यूथ के लिए है, यंग जनरेशन जो हमारे नेशन का बैकबोन है और हमारे नेशन की प्रोडक्टिविटी इसी यंग जनरेशन को संभाल के रखनी है। बट क्या ये यूथ बहुत अच्छे से अपने आप का ख्याल रख रहे हैं? आंसर इज नो। सो दिस इज फाउंड इन आर स्टडी विच आई कंडक्टेड एट मेदांता। स्टडी क्या था? बहुत सिंपल सा स्टडी था। 40 साल से कम उम्र के यंग इंडिविजुअल्स का हमने स्टडी किया। ये पाया गया इस एज ग्रुप में 16% ऑफ द पेशेंट्स आर हाइपरटेंसिव, दे हैव हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, दिस इज वेल नोन फैक्ट। 16% लोग यंगर पॉपुलेशन में हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। एक और जब हमने इसको डिटेल्ड एनालिसिस किया तो ये पाया इस सबसेट में जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, 36% ऑफ दीज इंडिविजुअल्स दे आर इन्वॉल्व इन बिंज ड्रिंकिंग। सो दिस इज वेरी ओमिनस, दिस इज रियल स्केरी। सो बिंज ड्रिंकिंग इज जब कुछ दोस्त मिलकर बैठते हैं और 2 घंटा के ऊपर 4 या 5 ड्रिंक्स लेते हैं, उसको हम बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। इस स्टडी के जरिए ये पाया जैसे ही कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप मिलकर बिंज ड्रिंकिंग लेता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज गति से ऊपर आता है। दिस सडन जंप इन ब्लड प्रेशर इज हाईली रिस्की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ। दिस कैन लीड टू हार्ट अटैक्स, दिस कैन लीड टू ब्रेन स्ट्रोक्स, दिस कैन स्लोली लीड टू हार्ट फेलियर्स ऑल्सो। सो बिंज ड्रिंकिंग इज हाईली हाईली ओमिनस एंड आर यंगर इंडिविजुअल्स आर really not knowing the fact that they are actually playing with fire once they are involving themselves in binge drinking. So please, the strong message from my side to all the youth, strict no to binge alcohol or drinks. You can have very occasional drinks, but no to binge alcohol or sudden intake of heavy alcohol.